हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जी जनाब, आज आप देख सकते होंगे मैं कहीं बाहर नहीं निकली हुई किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने, बल्कि आज मैं मौजूद हूँ अपने ही घर के किचन में, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट कढ़ाई, वो भी विदाउट एनी रेडीमेड मसाला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि होममेड मसाले के साथ, क्योंकि आपको पता है कि अपने मुल्क में खाना बनाना कोई भी हो बहुत आसान होते, बाज़ार से डब्बा लाए, खोला, बना लिया। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने वो खाने जो हम होममेड मसालों से तैयार करते हैं, और आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट कढ़ाई विथ होममेड मसाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पेस्ट बनाया हुआ है, जो इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चें शामिल हैं। इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, तकरीबन इसमें एक हरी मिर्च है और 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किया है ऑयल गरम और इसमें डाल दिया चिकन, और जैसे ही मैंने चिकन डाला आप देखें कैसे पटाखे पट रहे हैं यहाँ पे। और ये चिकन तकरीबन मेरे पास है 800 ग्राम है, ये 1 किलो से कम है और आधा किलो से ज़्यादा है। और ऑयल को गरम करके इसमें और तकरीबन मैंने चिकन डाल दिया है अपना, और उसके साथ ही अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वो पेस्ट जो मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को चॉप करके बनाया हुआ है बिल्कुल बारीक बारीक। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा मेरा एक बाउल है, प्याली है, जो मुझे मिल गई थी, अच्छी लगी थी, मैं ले आई। इसी में वो कटर्स लगे हुए हैं जिसमें आराम से ये चीज़ें चॉप हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट, नमक आप हसबे ज़ायका ले सकते हैं। सिर्फ ये 4 चीज़ें डाल के आपने चिकन को 3 मिनट के लिए भूनना है, जब तक चिकन का कलर नहीं चेंज हो जाए। और वो 4 चीज़ें क्या हैं, लहसुन अदरक हरी मिर्च और नमक। उसके साथ हमने 3 मिनट के लिए चिकन को देखें भून लिया, और जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा फिर हमने इसमें डालना है यहाँ पे दही। आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने ये 1 कप दही लिया है, और उसमें 1 टीस्पून के करीब कुटा हुआ धनिया डाला है, और यहाँ पे 1 टीस्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा डाला है। वैसे तो कुटा हुआ ज़ीरा आप डाल सकते हैं, बट कुटा हुआ ज़ीरा भी अवेलेबल नहीं था तो मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। और उसके साथ ही तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे काली पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, और आप अपने हसबे ज़ायका जो भी मिर्चें आप खाते हैं उस हिसाब से काली मिर्चें यूज़ करें इसमें कम ज़्यादा। और चिकन मेरा 3 मिनट तक यहाँ भुन चुका है अपने पुराने पेस्ट के साथ, हरी मिर्च लहसुन अदरक के साथ। अब यहाँ पर मैं दूसरा पेस्ट शामिल कर रही हूँ, और आप देखें ये दही, काली मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, ये चिकन में चला गया है। पानी मैं यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है जब दही जाता है खाने में, पकते हुए खाने में, तो वो ख़ुद ही अपना पानी रिलीज़ करता है, तो वो जो भी अपना पानी छोड़ेगा उसी पानी में जो है वो चिकन पकता रहेगा। और इसको मैंने उस वक्त तक पकाना है जब तक चिकन का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। तब तक आप देख लें मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ अदरक और हरी मिर्च ली हैं जिनको बारीक काट लिया है, उसके साथ एक पूरे लेमन का जूस लिया है, और साथ ही मैंने ली है क्रीम। आप कोई सी भी किसी भी कंपनी की फुल क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन का जो पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है, चिकन बिल्कुल भून चुका है, और वो 50% जो है कुक हो चुका है। अब 50% कैसे कुक करना है, इस स्टेज पर हमने यहाँ पर क्रीम ऐड करनी है। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम डाली है। क्रीम डाल के अच्छी तरह इसको चलाना है, और जब आप क्रीम डालेंगे फिर थोड़ा सा इसमें पानी पानी हो जाएगा, अलग से आपने बिल्कुल पानी नहीं डालना। और इसी क्रीम के साथ अब आप इसमें डालेंगे यहाँ पे कटी हुई अदरक, उसके साथ हरी मिर्चें जो आपने काट के रखी होंगे, और साथ ही लेमन जूस। जी, आपने ये सब डाल लिया है। अब आपने इसको मुश्किल से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है, इतना कि ये जो है इसका एक्स्ट्रा पानी होगा बाकी का वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए और चिकन 100% कुक हो जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए। 5 मिनट के लिए इसको आप मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें। और ये गरम मसाला मैं डालना उस टाइम भूल गई थी, ये अभी मैंने दोबारा इसको खोल के तकरीबन 1 चुटकी के करीब इसमें गरम मसाला डाला है, और थोड़ी सी क्रीम मुझे कम लग रही थी, थोड़ी सी वो दोबारा डाली है, और अब इसको मैंने दोबारा मिक्स किया है और फिर मैंने बंद कर दिया। और अब देखिए 5 मिनट बाद ये फाइनल इसका लुक ये आया है, खाना तैयार हो चुका है। इसको डिश आउट भी मैं कर चुकी हूँ, साथ में आप देख सकते हैं गरम गरम नान रखे हुए हैं जिसके साथ वाइट कढ़ाई का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और जैसे भी बने मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। दसवीं दानिया।